किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो बना रहे हैं रवि डेयरी फार्म पे। रवि भाई के पास आज टॉप क्वालिटी की आयरशायर गायें, टॉप क्वालिटी की एचएफ गायें और टॉप ही क्वालिटी की जर्सी गायें सेल के लिए अवेलेबल है। गायें हम आपको चलाकर दिखाएंगे, गाय के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। पहले आप इनका पूरा फार्म देख लो। ये जो सभी गायें खड़ी है सेल के लिए अवेलेबल है। कुछ गायें इधर खड़ी है, परली शेड आप जर्सी गायें देख सकते हो। इनसे अगर आपने गायें खरीदनी है तो स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इनको कॉल करके 51 गायें खरीद सकते हो, या फिर जिन गायों ने बच्चा दे रखा है वो गायें भी खरीद सकते हो। एक टाइम दो टाइम दूध निकाल कर खरीदना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। ऑल इंडिया की डिलीवरी मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए रवि भाई से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है रवि भाई? सर बिल्कुल बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है सर। और कितनी गाय सेल के लिए अवेलेबल है सर? आज कम से कम 12 गाय सेल के लिए अवेलेबल है। कुछ गाय सेल हो रखी है बीच में से। सेल कहाँ के लिए करी है ये जा रही है? बिहार सीतामढ़ी। कस्टमर आ रखे हैं। कितनी गाय जा रही है उधर? उधर जा रही है जी 7 गाय। ठीक है जी। आज की जो गायें सेल के लिए अवेलेबल है ये रेट बता दो पहले, एवरेज रेट। जी जो एवरेज रेट रहेगा जो सेल के लिए वो 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में रहेगा। 60,000 से 65,000? 65,000, 70-75 में अगर लॉट लेते हो 10 गाय का तो 60 से लेकर 65,000 के बीच में हम लॉट दे देंगे। अगर किसी ने लॉट तैयार करवाना है 35 लीटर हो उसमें, 30 लीटर हो उसमें, 40 लीटर हो, मतलब लॉट की एवरेज 35 लीटर निकला है, कितने रेट में तैयार कर दोगे लॉट? 75,000 में होगा जी जेनुअन, जो दूध निकाल कर हम यहीं पे दे देंगे। सारी गाय ओके होगी? बिल्कुल ओके, चेक करवा कर फिर देंगे जी। ठीक है जी। ठीक है जी। 70 से 75,000 मान लो मौके पे रेट इधर उधर हो जाएगा थोड़ा, बता दो। 70-75 देखो ये जेनुअन है, कई लोग बोल रहे हैं ना जी भी 30 लीटर वाली हम 50 में दे देंगे, मुझे फोन आते हैं ना ये रेट ज्यादा है। मैं कहता हूँ जी अगर कोई हमें दे दें 70-75 की रेंज में 30 लीटर वाली, हम भी खुद ले लेंगे, पर हम लॉट की बात कर रहे हैं। बीच में 80 वाली भी आएगी, बीच में लाख वाली भी आएगी, बीच में 70 वाली 65 वाली भी आएगी। तो एक लॉट जो होता है वो अप डाउन होता है रेट का, ऐसा नहीं कोई किस फार्म से आ रही कोई ऊँची हाई रेट में आ रही कोई लो रेट में आ रही है, उस हिसाब से लॉट बन जाता है ये। तो ये गायें आयरशायर सेल के लिए अवेलेबल है जी? ये सेल के लिए अवेलेबल है। चलाओ जी गाय को। इसका बैकग्राउंड बता दो, कौन से व्यंत की गायें हैं जी? सेकंड टाइम है जी, 4 दांत है जी। और पीछे इसका मेल काफ है जी। कब डिलीवरी हुई थी इसको? ही आज दूसरा दिन है जी। अभी दूध कितना है? अभी इसके नीचे जो खीस होगी 20 लीटर होगी जी। 25 है जी पूरा जो जैन। टोटल कितना कर जाएगी जी? करेगी 25 किलो जी। और सेल के लिए अवेलेबल है जी? इसका सिंगल का रेट क्या रहेगा जी? इसका सिंगल का रेट रहेगा जी 60,000 रुपये। तो कितने परसेंट आप इसको प्योर कह रहे हो? प्योरिटी तो आप फेस क्वालिटी देख सकते हो जी, प्योरिटी 100% प्योर आयरशायर है जी। फेस क्वालिटी देखो जी इसकी और ब्यूटी देखो जी। अभी थोड़ा सा पतली लग रही होगी वीडियो में, क्योंकि अभी बच्चा दिया है, खाना पीना अभी शुरू किया इसने, स्टार्ट किया खाना पीना जी। क्वालिटी देखो जी आप। आयरशायर में और एचएफ में क्या फ़र्क होता है जी? देखो जी आयरशायर तो अभी पंजाब में जो पहले सीमन आता था वो तो बैन ही हो चुका है, आप सभी को पता है। तो दूध का थोड़ा सा ऐसा होता है, लोगों का कहना है, मुझे तो कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा, भी एक कलर आ जाता है इसमें, भी कलर आ गया इसकी। थोड़ा फैट सा कितनी आ जाएगी? थोड़ा सा उनसे फर्क रहेगा जी, थोड़ा सा ना फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा, मतलब एचएफ से अगर आयरशायर लोगे तो थोड़ा सा दूध में फर्क रहेगा, फैट में फर्क रहेगा। ठीक है जी। ठीक है जी, जो दूध की क्वांटिटी वो एचएफ की जितने ही दे देते। रवि भाई आपने एक बात करी कि इसके सीमन बैन हो चुके हैं जी, तो फिर आगे प्रेग्नेंट कैसे करते हो गाय को? सीमन तो आ नहीं रहे फिर? तो आयरशायर का सीमन ऐसा ही वो बैन है जी, तो ये प्रेग्नेंट किसी से भी हो सकती है, आगे एबीएस से भी हो सकती है। तो अभी ऐसा है एबीएस के जैसे कोई ना कोई गाय कुछ करेक्टर अपने पे भी ले जाती है ये गाय। ठीक है। ठीक है जी। तो बुल कहीं पंजाब में भी बुल आ चुके हैं ये इनके, तो अभी देखते हैं कौन सा बंदा बुल तैयार करता है सीमन के लिए, देता है किसी को कंपनी को आयरशायर के। आई थिंक मुझे लगता है शायद अभी एबीएस में भी आना शुरू हो जाए, बाकी कन्फर्म नहीं है जी। देखो सीमन के बारे में गलत डिटेल दे दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। कन्फर्म नहीं अभी मतलब? हाँ मतलब आ जाएगा शायद सीमन, शायद है भी, मुझे लगता है। ठीक है जी, किसी से सुना है पर मैंने, मुझे कन्फर्म नहीं। दूसरे नंबर वाली? दूसरे नंबर पे जी। कौन से व्यंत की गाय है जी? ये भी सेकंड टाइमर, ये 6 दांत है जी। दांत देख सकते हो जी, ऐसा नहीं है, कई बंदे कमेंट भी जरूर करेंगे बुढ़ी है। दांत दिखाओ जी पहले। दांत दिखा दो। 6 दांत है जी। ठीक है जी।
इसने बच्चा कब दिया जी? इसने आज इसको है जी चौथा दिन। बच्चा इसके साथ क्या है? इसके पीछे फीमेल काफ है। टोटल दूध कितना कर जाएगी जी? देखो जी इसके नीचे अभी होगा 27-28 लीटर ही। और कितना बढ़ जाएगी? और ये देगी कम से कम 35 लीटर दूध देगी ये। ठीक है जी। गाय का बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, अटर की फिटिंग देख सकते हो। क्या रेट पे सेल करोगे भाई इसे? ये दे देंगे जी फाइनल 75,000 में। ठीक है जी, क्वालिटी देख सकते हो जी। और रही बात ही, कई कस्टमर बोलते हैं ना जी भी आप दूध इतना बता रहे हो। देखो दूध रेडी करने में टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। अभी 27-28 लीटर खीस है जी गाय के नीचे, 27-28 लीटर खीस है जी। तो दूध तैयार करने में कम से कम टाइम लग जाता है। कई बंदे बोलते हैं ये आपने तो 70-75 हज़ार में 35 लीटर वाली दूध की, अभी 28 लीटर इसके नीचे दूध तैयार है जी। अपना दो टाइम दूध निकाल कर ले जा सकते हो जी। ठीक है जी। ठीक है जी। और गाय चला दो कोई जी आगे। चलो ये दिखा दो, ये प्रेग्नेंट है जी। ये कौन से भी अंत में प्रेग्नेंट है? ये सेकंड टाइमर है जी। और दांतों में जी? दांतों में ये 4 दांत है ये, पर है सेकंड टाइमर, हम फर्स्ट टाइमर नहीं बोलेंगे, दांत देख सकते हो जिसके। ठीक है जी। कितने दिन ले जाएगी बच्चा देने में? अभी इसके कम से कम 7-8 दिन पेंडिंग है डिलीवरी। और दूध कितना दे देगी जी? 25 लीटर फर्स्ट टाइमर ने दूध दिया जी। इस बार 30 लीटर की बड़े आराम से उम्मीद है जी। 40 नहीं बोलूँगा, 30 ही बोलूँगा, क्योंकि गर्मी है, 40 लीटर बहुत हो जाता है। क्या रेट पे सेल करोगे जी? ये देंगे जी हम जो इसका फाइनल रेट होगा जी 75,000। देखो जी ये सिर्फ आपकी वीडियो के लिए रेट मैं बता रहा हूँ जी, क्योंकि जो आप ये वीडियो देखेंगे ना जी वो व्यापारी तो नहीं लेगा कोई भी। अभी ये किसानों के लिए वीडियो रह गई है जी, व्यापारी के लिए नहीं है जी। क्योंकि व्यापारी क्या बोलेगा? व्यापारी बोलेगा जी भी रेट का इसका कोई जो पर्दा होता है ना जी वो नहीं रहा। इसकी फेस क्वालिटी देखो जी, और जितनी भी गायें ना ये सीमन का सबका रिकॉर्ड मिलेगा जी। फेस क्वालिटी देखो जी, भाई दांत भी दिखाना है इसके, फेस क्वालिटी देखो जी। दूध 30 लीटर की गारंटी होगी जी इसकी। यही ऐसी ही गाय लोग 40-40 लीटर 50-50 लीटर कह के सेल करते हैं जी। ठीक है जी। ठीक है जी। दांतों में है 1 साइड से 6, 1 साइड से 4, पर है सेकंड टाइमर। ठीक है जी। ये जी ये तो चलो सेल हो रखी है, अभी आए थे हमारे लोकल में ही। इसके नीचे अभी 27-28 लीटर ये लोकल पंजाब में सेल करी सेल हुई है, फर्स्ट टाइमर है। बछड़ी खीरी है, दिखाना है एक बार। और कितना दूध बताया? इसके नीचे 27-28 लीटर है ये अभी तैयार। अभी दूध निकाल कर देखेंगे? हाँ, वो ये निकाल कर गए जस्ट अभी। अगर इसके चेक किया था उन्होंने? हाँ चेक। देखो क्या टाइम चेक करवाया जी उन्होंने? तो जी सुबह देखी थी जी, सुबह इसका आर्डर देखा था, शाम को आकर अभी दूध निकाल कर कहता बिल्कुल ओके है जी। कम्पैक्ट आर्डर की खीरी बछड़ी है, और ये जूनियर के सीमन की है। देखो जो भी हमारे पास फार्म की बछड़ी होगी तो प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। अगर हमने किसी लोकल से लिए, लोकल किसान से, अगर उसको कुछ नहीं पता तो हम उसको उसकी डिटेल को जो पैडागिरी बोल देते हैं उसको, हम ऐसा नहीं है भी हम उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार दांत भी दिखा दो जी इसके। बच्चा इसके साथ क्या है जी? इसके पीछे मेल काफ है जी, खीरी है जी, प्योर खीरी, 27-28 लीटर है जी। कोई बंदा दूध देखना चाहते इसका दूध भी देख सकते हैं। ये लोकली हमारे पंजाब में सेल हुई है जी, ये भी यहाँ पे लोकली सेल हुई है जी। जी कौन से व्यंत की? ये किसी व्यापारी ने लिया, वो बोलता है इसका रेट मत हाईलाइट करना। मैं चलो ठीक है भाई, चलो रेट मत बताओ। वैसे कौन सा व्यंत है ये? देखो ये है सेकंड टाइमर है। और बच्चा? बच्चा इसके पीछे मेल काफ है। और कितना दूध है जी गाय का? इसके नीचे अभी होगा जी 8-9 लीटर एक टाइम का। कितना कर जाएगी ये भी? इसको कम से कम 3-4 दिन ही हुए हैं बच्चा दिए हुए। ये दूध कर जाएगी जी कम से कम 25 लीटर बड़े आराम से दे देगी जी। थोड़ा सा क्रॉस में है, ब्रीड कम है जी, और रेट भी उसी हिसाब से है जी। क्वालिटी देख सकते हो जी, निशानी लग रखी है गाय के। ठीक है जी। ये जा रही है गुजरात जा रही है जी। बहुत ही हैवी मिलकर गाय है जी। ये 4 दांत बछड़ी है जी, है सेकंड टाइमर, 1 मंथ कच्ची। सेल के लिए अवेलेबल है या बिकी है ये? सेल हुई हुई है जी। अगर किसी भाई को ये ऐसी गाय चाहिए, क्वालिटी दिख रही है, हाइट देखो, ब्रीड देखो, लेंथ देखो जी, ये बहुत ही। कितने दूध की है जी बछड़ी? ऐसे गाय का रिकॉर्ड है फार्म का 40 लीटर का फर्स्ट टाइमर का। आप हाइट देख सकते हो सभी गाय से कितनी ऊंची हाइट में है, और क्वालिटी देख सकते हो गाय की। ठीक है जी। और दांतों में 4 दांत है जी, हाइट देख लो जी गाय की। कहाँ के लिए सेल हुई है जी गाय जी? ये जा रही है जी बिहारी जा रही है ये वाली। साउथ इंडिया में ज़्यादा डिमांड करते हैं ऐसी कच्ची गाय की है ना? कच्ची, हाँ कच्ची गाय की, क्योंकि
महाराष्ट्र में भी कच्ची गाय की बहुत ज्यादा डिमांड है जी। ठीक है जी। तो कई कई भाइयों के मैंने देखा कमेंट करते भी, रवि भाई वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर हम रेट डिस्प्ले नहीं करते किसी गाय का, ना भी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये इस वीडियो रेट इसीलिए नहीं डिस्प्ले करता भाई जी, रेट रेट भी देखो और क्वालिटी भी देखो, फोन करके आप रेट पता करो। कई बार क्या हो जाता है, अभी देखो जी मैंने जिन जिन गाय का रेट बताया, ये तो चलो ये जैसे ये गाय है तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, दूसरी गाय दे सकती हुई, ये भी उधर ही जा रही है जी। ऐसे ये थर्ड टाइमर है जी, इसका भी एक महीना पेंडिंग है इस गाय का ही, क्वालिटी देख सकते हो। 60 लीटर का गाय का कार्ड रहेगा जी इसका, ये फार्म का है जी, 60 लीटर का बहुत। ये भी सेल कर दी, ये भी सेल कर दी, उधर ही जा रही है, ये भी उधर ही जा रही है, इसकी भी क्वालिटी देख सकते हो। ये तो फार्म से आती होगी गाय, सारी गाय फार्म से ही आती है जी, कुछ लोकल लोकल भी आती है जो लोकल, उसका बता देते हो कि ये लोकल है। देखो जी हमारे यहाँ पे जो लोकल किसान गाय तैयार करता है ना, ये फार्म वाले से अच्छी तैयार करता है जी, हमारे एरिया का कार्ड है जी, जो है। लोकल किसान गाय तैयार करता है ना जी, वो फार्म वाले से अच्छी तैयार कर देता है जी। अडर की क्वालिटी देख सकते, झोल देख सकते, और मिल्क वेन देखो जी इसकी, 60 लीटर इसने जी सेकंड टाइमर ने दूध दिया जी, और जिस फार्म से आई है ना जी, हर साल मेले में 3-4 गाय कंपटीशन खेलती है और नंबरों में आती है जी, ऐसा नहीं है भी कोई ऐसे वैसे घर की गाय है जी। और देखो जी हर एक गाय का अर्डर की क्वालिटी देख सकते हो, जितनी भी है ना हर गाय की अर्डर की क्वालिटी देख सकते हो, किसी गाय का टूटा हुआ अर्डर नहीं होगा, मिल्क लाइन ब्लड लाइन जो रिकॉर्ड चाहिए वो रिकॉर्ड मिल जाएगा ये आपको, ठीक है जी। और रही बात किसान भाइयों, किसी भी व्यापारी को किसी के साथ कंपेयर मत करो, हर कोई अब हर आदमी हर व्यापारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई कहता है ये व्यापारी ज़्यादा अच्छा है, नहीं, सब बंदे पूरा मेहनत से जोर शोर से काम कर रहे हैं, जिससे भी लो परख कर लो, तसल्ली कर कर फिर लो, ये कोई ऑनलाइन गाय नहीं जा रही जी, मैं ऑनलाइन के बहुत फ़ोन आते हैं ऑनलाइन भेज दो, भाई जी मैं ऑनलाइन गाय नहीं भेजूँगा, मैं कहता हूँ आओ गाय चेक करो, तसल्ली कर कर फिर लेकर जाओ, अगर गाय में कोई कमी लगती है तो गाय छोड़ दो, ऑनलाइन गाय वो लो जिसको मेरे पे ट्रस्ट है और सामने वाले पे मैं ट्रस्ट कर, जो वो ऐसी बात कर जिस पे मैं ट्रस्ट कर दूँ उसको मैं ऑनलाइन गाय दूंगा, नहीं तो भाई जी ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आए और गाय देख कर पसंद कर कर फिर लेकर जाएँ। तो किसान सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।